इसका प्रॉब्लम है कि इसका एक्सीलेटर बराबर काम करता नहीं है अभी पूरा एक्सीलेटर, इसको फुल प्रेस करके रखने पे वो धीरे धीरे काम करता है और चेक इंजन का लाइट आया हुआ है। ये बंद करके स्टार्ट करने पे चेक इंजन का लाइट चली जाएगी और इसका एक्सीलेटर काम करेगा। जैसे इसका फिर 4000 RPM के ऊपर जाएगा तो फिर इसका एक्सीलेटर चेक इंजन लाइट आएगा और एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, ये इसका प्रॉब्लम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो भी चैनल की अपडेट है आपको मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये निसान पेट्रोल 2009 मॉडल है, ठीक। इसका जो प्रॉब्लम है ना, अभी चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे इसको चलाएंगे ना या रेस देने से इसका चेक इंजन लाइट आता है। देखते हैं अभी इसका एक्सीलेटर बराबर काम कर रहा है, ठीक है। अभी इसको फुल एक्सीलेटर देने से ये चेक इंजन लाइट आ गया है और फिर इसका भी एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। देख सकते मैं इसका पूरा फुल प्रेस करके रखा हूँ, अब धीरे धीरे जा रहा है। पहले क्या हल्का सा दबने पे एक्सीलेटर जो काम करता था अब वो काम नहीं कर रहा है, अभी मतलब धीरे धीरे काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अभी गाड़ी बंद करके स्टार्ट करेंगे ना तो चेक इंजन लाइट चली जाएगी। गाड़ी बंद कर दिया हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी गाड़ी स्टार्ट किया हूँ, चेक इंजन लाइट चली गई है। अभी गाड़ी चलाएंगे ना जैसे थोड़ा देर चलेगा फिर सेम सेम प्रॉब्लम हो जाता है। अभी एक्सीलेटर देंगे बराबर काम करेगा, देखिए ठीक है, अभी बराबर काम कर रहा है। जैसे इसको फुल प्रेस करेंगे एक्सीलेटर चेक इंजन का लाइट आ जाएगा और इसका एक्सीलेटर है ना बराबर काम करता करेगा नहीं। अभी 5 के ऊपर जाएगा ना इसका RPM 5000 के ऊपर तो ये काम नहीं करेगा, देखिएगा। अभी तो 4000 पे ही मतलब इसका चेक इंजन लाइट आ गया। अब क्या देख रहे हैं, एक्सीलेटर पैडल काम नहीं कर रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको पहले मैं कंप्यूटर चेक करूँगा फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कंप्यूटर में क्या कोड आ रहा है। इसका कंप्यूटर में जो कोड आ रहा है वो P0121APP सेंसर सर्किट का आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो कोड आ रहा है एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर सर्किट का आ रहा है। तो इसका एक्सीलेटर जो है ना वो बराबर काम नहीं करने की वजह से ये कोड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मसला जो है वो एक्सीलेटर बराबर काम करता नहीं है। जैसे एक बार आप ऑफ करके स्टार्ट करेंगे तो फिर काम बराबर करेगा, जैसे 2-3 बार फुल प्रेस करने पर है ना फिर ये कोड आने की वजह से फिर इसका एक्सीलेटर है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये क्लियर भी हो जाएगा और ये चेक इंजन लाइट दिख रहा है, ये चेक इंजन लाइट भी इसका चला जाएगा। मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर करने पे फिर इसका RPM काम करेगा, फिर आप जैसे फुल प्रेस करेंगे ना तो इसका RPM फिर से वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है। अभी क्लियर किया हूँ तो अभी ये SIM का कोड आ गया, P0605 SIM का कोड आ गया, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है ना इसकी वजह से। गाड़ी बंद करके इसको क्लियर करता हूँ, गाड़ी बन गया, क्लियर किया, अभी कोड नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। और गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना तो अभी चेक इंजन भी लाइट इसका नहीं आएगा, अभी चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस लेटर भी देख रहा है बराबर काम कर रहा है, फिर जैसे इसको पूरा प्रेस करेंगे ना चेक इंजन लाइट आ जाएगा, देख रहे प्रेस किए चेक इंजन लाइट आ गया है, ये इसका मसला है। और इसमें कोड भी बता रहा है, वो एक्सीलेटर पैडल सेंसर का बता रहा है, तो सेम कोड आ रहा है। तो इसको चेक करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसका कलर के हिसाब से वायरिंग चेक करेंगे, तो इसका वायरिंग जो वाइट बता रहा है तो वाइट में बता रहा है इग्निशन स्विच ऑन होगा और इंजन इसकी बंद होगी, और इसका गियर का जो शिफ्टर है वो डी पे होएगा और एक्सीलेटर पूरा फ्री होएगा, मतलब उस पर कोई प्रेस करना नहीं है, ठीक है। तो उसमें मोर देन जो वोल्टेज आना चाहिए वो 0.36 वोल्टेज अब बता रहा है, और ठीक उसके नीचे लेस देन में बता रहा है जो कि डीप पे गियर रख के पूरा फुल प्रेस करेंगे ना तो 4.75 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिलीज पे है और सेकेंड वाला पे मतलब प्रेस करके रखना है, ये वाइट वाली वायर में बता रहा है। और इसकी जो ब्लैक वाली वायर है वो इसका आइडल का है, आइडल स्पीड का है, ठीक है ना। तो ये इसमें 0 वोल्टेज आएगा, मतलब इसमें अर्थ आएगा, ठीक है, ग्राउंड आएगा। और इसका लाइट ग्रीन में बता रहा है तो इसको भी इग्निशन स्विच ऑन पर रखेंगे ना तो 2.5 वोल्टेज इसमें आना चाहिए, ठीक है। और फिर इधर रेड पे बता रहा है इग्निशन स्विच ऑन रखने पे इस पर भी 0 आएगा, मतलब कि ये ग्राउंड का आएगा, ठीक। और येलो में बता रहा है कि 5 वोल्टेज आएगा, और ग्रीन वाली वायर में बता रहा है कि फिर डी पे रख के फुल रेज प्रेस करेंगे ना तो 0.18 वोल्टेज ये मोर देन में, और लेस देन में 2.37 वोल्टेज, ठीक है।
तो इसका है ना ये वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि डी पे रख के पैडल फुल रिलीज पे 0.18 आएगा और प्रेस पे वो 2.37 वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा है ना मैं चेक करूँगा कि इसका वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ग्राउंड भी चेक करेंगे, ग्राउंड भी बराबर है कि नहीं है। जैसे इधर वाइट में बता रहा था कि ये पैडल फुली, मतलब इसको पैडल अगर हटा के रखेंगे ना तो 3.36 वोल्टेज है ना, 0.36 वोल्टेज के ऊपर आएगा, ठीक है। और जैसे पूरा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे ना तो फिर 4.75 वोल्टेज के नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये रीडिंग चेक करेंगे, ठीक है ना, इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसका ये वायरिंग का फीसर है, ये सेंसर 1 और सेंसर 2 है इसका, ठीक है ना। तो 7 नंबर में येलो आ रहा है, और 8 नंबर में इसका वाइट है, और 9 नंबर में ब्लैक है, और 10 में लाइट ग्रीन है, 11 में ग्रीन है, और 12 में रेड आ रहा है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे फिर से बता रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, चेक करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका ये एक्सीलेटर का सेंसर का है ये, ठीक है ना। इसका एक्सीलेटर पैडल ये टोटल बॉडी के साथ में ही दिया हुआ है, और ये टोटल बॉडी का फीसर इधर है, ठीक है ना। टोटल बॉडी का टीपी सेंसर का सेंसर 1 सेंसर 2 इसमें है, और एक्सीलेटर पैडल का सेंसर 1 सेंसर 2 इसमें है, ठीक है। तो ये इसका वायरिंग एक्सीलेटर पैडल का हो गया, और ये इसका वायरिंग टोटल बॉडी का हो गया है, ठीक है ना। तो इसके इसने सैमसंग प्रॉब्लम था तो इसने पूरा वायरिंग इसका चेंज कर लिया, देख सकते हैं पूरा इसकी नई वायरिंग है, ये पूरा वायरिंग इसने बदली किया है, ठीक है। तो इसको पहले ना मैं करंट चेक करेंगे, ठीक है ना। अपना ऑल डाटा में देखा हूँ तो ये ब्लैक वाला में ग्राउंड आएगा, ठीक है, और ये वाइट वाला में इसमें आना चाहिए 0 वोल्ट 36 वोल्ट से लेके और 4.75 वोल्टेज तक आना चाहिए, ठीक है, वाइट वाला में। ये एक्सीलेटर पे प्रेस करेंगे तो, और ये येलो वाला में 5 वोल्टेज आएगा, और फिर ये रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला में भी इसका ग्राउंड रहेगा, ठीक है। और ग्रीन वाला है तो इसको भी एक्सीलेटर फुल प्रेस करेंगे, कहाँ चला गया, ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला में जैसे एक्सीलेटर पूरा प्रेस करने पे है ना 0.80 वोल्टेज से लेके इसमें आएगा वो 2.37 वोल्टेज आएगा, ठीक है ना, 2.37 वोल्टेज। और ये लाइट ग्रीन है लास्ट वाला, इसमें 2.5 वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो अभी आपको इसमें करंट भी चेक करता हूँ पहले, इसमें करंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये इसका ब्लैक में ग्राउंड आएगा, तो पहले इसको ब्लैक में सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये येलो वाला में 5 वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो येलो वाला का 5 वोल्टेज पहले कंफर्म करता हूँ, इसका येलो में 5 वोल्टेज बराबर शो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वाइट वाला मैं चेक कर रहा हूँ, तो वाइट वाला में डी पे रख के इसको ब्रेक बिना ब्रेक एक्सीलेटर प्रेस किए हुए 0.36 वोल्टेज के ऊपर आना चाहिए। तो ये अपना 0.38 आ रहा है, तो ये बराबर आ रहा है, तो इसका भी बराबर है। अब चेक करता हूँ फुल एक्सीलेटर पे, फुल एक्सीलेटर पे इसको 4.75 वोल्टेज आना चाहिए नीचे, पर यहाँ बहुत कम आ रहा है, 3.37, 36 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो ये इसका बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं फिर बाद में चेक करेंगे। तो इसका एक फॉल्ट मिला है कि इसका ये सेंसर काम बराबर नहीं कर रहा है। अब दूसरा इसका चेक कर लेता हूँ, नीचे रेड में भी इसका ग्राउंड आएगा, ठीक है। तो इसका रेड में भी ग्राउंड बराबर आ रहा है, और येलो में भी 5 वोल्टेज करके चेक कर लिया हूँ। अब इसका लाइट ग्रीन में चेक कर रहा हूँ, 2.5 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है, लाइट ग्रीन में। तो ये हो गया, तो इसमें देख सकते हैं लाइट ग्रीन में भी 2.5 वोल्टेज बराबर आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन वाला लास्ट है, 1 मिनट, अब ग्रीन वाला में भी चेक कर लेता हूँ। ग्रीन वाला में ऐसे मोड़ देना है ना, 1.8 आना चाहिए, तो 2.7 आ रहा है, बराबर आ रहा है लेस देन में। मोर देन में इसमें जब एक्सीलेटर प्रेस करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.37 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ रहा है 2.16 आ रहा है, मतलब कि बराबर है, 2.36 से कम आ रहा है लेस देन में, ठीक है ना। तो अपना ये भी बराबर है, तो इसका वायरिंग जो है अलहमदिल्ला वायरिंग इसका बराबर है, वायरिंग में मसला नहीं है,
इसका वायरिंग भी बराबर है। इसका जो प्रॉब्लम है ना, ये टोटल बॉडी में प्रॉब्लम है। इसका टोटल बॉडी है ना, वो प्रेस करने पे इसका अंदर का जो सेंसर है ना, वो सेंसर बराबर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखता हूँ फिर इसका सेंसर बदलना है, फिर देखता हूँ पहले ये मिलता है कि नहीं, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ इस टोटल बॉडी बदल के। इसका मैंने टोटल बॉडी बदल दिया हूँ, अब इसको पूरा एक्सीलेटर प्रेस करके इसका रेटिंग चेक करा रहा हूँ। इसका 2.2524 ऐसा आ रहा है, मतलब कि ये बराबर है। इतना अभी जो आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है, पहले जो था वो बहुत ही कम आ रहा था। ठीक है ना, 3.3 कुछ आ रहा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला का भी चेक कर लेता हूँ। दूसरा वाला में भी बराबर आ रहा है, 2.4 आ रहा है, और प्रेस करने पे 2.14 आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो रेटिंग आ रहा है ना, तो अभी बराबर आ रहा है। पहले जो आ रहा था बहुत ही कम आ रहा था एक में, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम था। तो ये इसका पुराना वाला टोटल बॉडी है। ठीक है, और कस्टमर ने दूसरा पुराना लाया है तो मैं उसको लगा दिया हूँ, तो अभी बराबर है। कभी कभी क्या होता है ना, अंदर में ज़्यादा डस्ट भी होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, पर इसमें क्या है ना, वो डस्ट नहीं था। ठीक है ना, पूरा क्लीन था, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि अंदर का जो एक सेंसर है ना वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अभी इसका आप एक्सीलेटर देख सकते हैं, अभी स्टेबल भी है और काम भी बराबर कर रहा है, काम कर रहा है। पहले क्या था कि इतना पे है ना, वो चेक इंजन लाइट आ जाती और एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। अभी देख रहे हैं 5000 RPM के ऊपर जा रहा है, फिर भी चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है। अभी एकदम बराबर काम कर रहा है इसका एक्सीलेटर, और इसका एक्सीलेटर भी अभी है ना स्टेबल है। पहले क्या है, बहुत नीचे आ जा रही थी, 500 के नीचे भी आ जाता था। तो अभी इसका डीटीसी चेक कर लेता हूँ, कोई कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी कोई इसका कोड नहीं आ रहा है, तो अपना जो प्रॉब्लम था ना अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। ठीक है, तो जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।